हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेड मोबाइल में। आज हमारे पास एक कीपैड का मोबाइल आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें कोई भी कीपैड वर्क नहीं कर रही और सिर्फ इसमें पावर की वर्क कर रही है। तो इसे देखते हैं कि कहां से प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है और इस कीपैड पे अपन GR चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि अपने को GR भी मिल रहा है या नहीं। तो मीटर को बीप मोड पे सेट कर लेंगे और एक वायर को ग्राउंड से कनेक्ट करके और एक को चेक करते हैं GR। तो इस पे GR मिल रहा है अपने को, इस पे भी GR मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने को GR तो प्रॉपर मिल रहा है। देखते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। ये कैपेसिटर या रजिस्टर है जो शॉर्ट दिखा रहा है दोनों साइडों से, और देखते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही। एक बार हम इसका चार्जिंग जैक रिमूव करके देख लेते हैं कि चार्जिंग जैक की वजह से भी ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। तो इसका चार्जिंग जैक रिमूव करते हैं। इस पर हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जैक रिमूव कर लिया है और अब चेक करते हैं कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम है या नहीं। पहले बोर्ड को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ये अभी भी रुक गया वापस। तो देखते हैं, वो कैपेस रजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा था अपने को, उस रजिस्टर में प्रॉब्लम है या क्या। एक बार हम ये कैपेसिटर रिमूव रजिस्टर रिमूव करके देखते हैं कि फिर भी हमारी प्रॉब्लम वैसे ही रहती है सेम एज। रजिस्टर निकाल लिया है और देखते हैं कि इसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। फ्रेंड्स, में अभी भी शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो एक बार हम ये CPU निकाल के देखते हैं। इसमें SPD का CPU लगा हुआ है। ये CPU निकाल के फिर चेक वापस रिबॉल करके देखते हैं।
फ्रंट से अपने को इसको निकालने से पहले हल्का से मूव करा के देख लेना है कि अपना निकलने के लिए तैयार है या नहीं। तो हमने इसको बिल्कुल सेफ तरीके से बाहर निकाल लिया और अब इसे रिबॉल करके और वापस इसमें लगाते हैं। तो हम सीपीयू के पैड्स को क्लीन कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रंट डिसोल्डर वायर से बिल्कुल क्लीन कर लेना है हल्के हाथों से, और इस चीज़ का ध्यान रहे कि अपनी आयरन पे किसी भी प्रकार से कोई भी जंग या डस्ट नहीं लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीपीयू की बॉलें ख़राब हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब इसका सीपीयू रिबॉल करते हैं। मेरे पास एक यूनिवर्सल स्टेनफिल है, तो सीपीयू को अच्छे से बिठा लेना है। मैंने इसे अच्छे से बिठा लिया और अब इसे रिबॉल करते हैं। पहले पीपीडी अप्लाई कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सीपीयू अच्छे से रिबॉल हो चुका। जो ये बॉलें ऊपर आ गई हैं, पहले उनको हल्के से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद इसको ब्लेड से कट कर लेंगे, ऐसे ब्लेड से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सीपीयू को स्टेंसिल से बाहर निकाल लिया और क्लीन कर लिया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिबॉल हो चुका। अब इस पर हल्का सा पेस्ट लगा के और हल्की सी हीट देंगे ताकि अपने बॉल प्रॉपर अपनी जगह पे बिठ जाएं। अगर इसमें से कोई अगर बॉल मिस रह जाती है, कोई बॉल नहीं बनती, तो अपने स्टेंसिल में से एक बॉल ले लेंगे, जैसे कि ये बॉल लेने में से कोई भी एक बॉल निकाल लेंगे और उस जगह पे बिठा देंगे। इसमें एक बॉल नहीं बनी है, ये वाली बॉल नहीं बनी है प्रॉपर, तो इस बॉल पर हल्का सा पीपीडी डाल लेंगे और फिर हीट दे देंगे तो हमारी बॉल बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉल प्रॉपर तरीके से बन चुकी है, कोई भी बॉल मिस नहीं है इसमें। अब इसे लगाते हैं
सीपीयू को यहाँ पे बिठा लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सीपीयू को प्रॉपर तरीके से बिठा दिया है और अब इसे लगाते हैं ऑटगन से। बिठाने के बाद ट्वीजर से हल्का सा इसको मूव कर लेंगे। ताकि अपने को कन्फर्म हो जाए कि ये प्रॉपर लग चुका है। तो हमारा सीपीयू लग चुका है। अब इसमें शॉर्टिंग देख लेते हैं, किसी प्रकार की कोई भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही शायद। अब इसे एक बार ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली ऑन हो चुका और शायद हमारी इसमें की भी प्रॉपर काम करने लग गई है। और एक गलती आप नहीं करें, मेरे से गलती हो गई थी कि इसके नीचे जो कीपैड लगी हुई थी उसको मैंने हटाया नहीं और ये थोड़ी जल चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।